भारत और नेपाल मैत्री समाज के सदस्यों ने रविवार को कूड़ाघाट स्थित अमर शहीद गौतम गुरंग के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कारगिल विजय दिवस मनाया, जिसके संबंध में मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने बताया कि पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 21 साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। उनकी याद में आज कारगिल शहीदों को नमन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा सेना के जवानों के साथ ही सेना के पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए ऐसे हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाते रहेगी। इस मौके पर हवलदार अनिरुद्ध शाही, सूबेदार मेजर ओमकार नाथ मिश्रा, सूबेदार वी ए पोद्दार, सूबेदार वी सी शर्मा, नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, हवलदार प्रदीप यादव, हवलदार लेफ्टिनेंट अबुल अंसारी, हवलदार प्रताप सिंह यादव, सूबेदार मेजर राधेश्याम सिंह, शिवाजी यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत और नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त, वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संस्थापक संदीप कुमार राय ने कहा, अनिल कुमार गुप्त अध्यक्ष भारत नेपाल मैत्री समाज, आज कारगिल विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं। भारत नेपाल मैत्री समाज विगत 20 वर्षों से इस कार्यक्रम को इस चौराहे पे मनाता चला आ रहा है और आज पूरे देश में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आज के दिन हम सेना के शहीद हुए जवानों को, जो कारगिल में की लड़ाई में शहीद हुए, उनके प्रति 2 मिनट का मौन रख करके, साथ ही कोरोना से मरे हुए मरीज जो हमारे देश के नौजवान और नागरिक रहे हैं, उनके प्रति भी आज हमने 2 मिनट का मौन रख करके इस चौराहे पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरा नाम एक सेना सूबेदार संदीप कुमार राय, संस्थापक वीर सेनानी कल्याण संस्थान। आज जो है 1999 में कारगिल वार के यादगार में जो हमारे वीर शहीद हो गए थे, वीर जवान वीर सेनानी, उनके याद में मनाया जाता है। यह एक 1999 का एक ऐसा युद्ध था जो दुनिया में एक तरफा युद्ध हुआ था और जिसमें हमारे 527 जवान, 3 जेसीओ और 29 अफसर शहीद हुए थे। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे ऐसे वीर सेनानी हैं जो देश के लिए लड़ते हैं और शहीद होते हैं। और जब कोई सैनिक लड़ता है तो देश का बेटा होता है, देश के लिए लड़ता है। जिस तरह एक खिलाड़ी जब खेलता है तो देश का हो जाता है, एक हमारा विद्वान देश का हो जाता है, उसी तरह जब सैनिक लड़ता है तो वह अपने देश का बेटा होता है और जिसके लिए देश उसका एहसान मानता है, देश उस शहीद को नमन करता है। आज उसी पूर्ण समय को देखते हुए हम लोग उसके श्रद्धांजल किए हैं। गोरखपुर वीर सेनानी कल्याण संस्थान आज इन वीर शहीदों को याद करते हुए नमन करता है।